वर्ल्ड की सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इंडिया में है। जम्मू कश्मीर में चीना परिवार के ऊपर बनाया गया चीना ब्रिज। इस ब्रिज का सिनेवेर आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचाई पे है। इस मेगा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था 2004 साल से, लेकिन इसे 2008 साल में रोक दिया गया क्योंकि ये ब्रिज बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं था। इतना ऊंचाई में हवा बहुत तेज चलती है जो पैसेंजर के लिए खतरा हो सकती है। ये ब्रिज जुड़ेगा कौरी टू बुकल के साथ, या फिर भूकंप भी होता है, इसलिए ब्रिज को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि 260 किलोमीटर स्पीड से चलने हवा और भूकंप को एक साथ झेल सके। फिर 2014 साल में ब्रिज की एक नया डिजाइन बनाई गई जो हवा और भूकंप को इजीली झेल सके, लेकिन एनिमेशन में जो ब्रिज की डिजाइन बनाई गई उस डिजाइन से ब्रिज को बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं था। फिर भी हर हाल में इंडिया सरकार इस ब्रिज को बनाना चाहती थी क्योंकि ये ब्रिज जम्मू से कश्मीर घाटी को जुड़ेगी, इसलिए ब्रिज को बनाना बहुत ही जरूरी था। इसी वजह से फिर 2014 साल से इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। इस ब्रिज को बनाने में सबसे चैलेंजिंग काम था ब्रिज की आंच को बनाना। इस आंच का डिस्टेंस थी 485 मीटर। इंजीनियर को इस आंच को बनाने में 2.5 साल लगा था। इस ब्रिज का सबसे ऊंचा पिलियर की हाइट 134 मीटर, ये ब्रिज लंबाई में 1315 मीटर और ऊंचाई में 359 मीटर। ये ब्रिज बनाने में 25,000 स्टील यूज किया गया। ब्रिज बनाने में 300 इंजीनियर के साथ साथ 1300 वर्कर थी जिन्होंने लगातार 8 साल मेहनत करके इस ब्रिज को बनाया है। और इस ब्रिज को बनाने में जितना भी इंजीनियर काम किया है ये सभी इंजीनियर इंडियन थी जो इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट किया और वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस ब्रिज के ऊपर से अभी भी ट्रेन चलना शुरू नहीं हुआ। इंडिया की रेल मंत्री के मुताबिक 2024 साल के अंदर इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन चलना शुरू कर दी जाएगी। ये ब्रिज जहाँ पे बनाया गया है वो जगह बहुत ही खूबसूरत है। ब्रिज के आगे की तरफ पहाड़ है, ब्रिज के नीचे नदी बहती है और उसका साथ साथ ब्रिज को भी एक आजूबा की तरह बनाया गया, इसलिए जगह को देखने के लिए बहुत ही पर्यटक आना शुरू कर दी। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को भरपूर लाइक एंड शेयर करना। चैनल में पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।